हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आपका एसएम क्लास यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। आपने मेरा पिछला वीडियो अलजेब्रा फर्स्ट पार्ट सभी ने देखा और उसको इतना सहारा और लाइक शेयर देकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ अलजेब्रा पार्ट टू। ठीक, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार अपन अपना पुराना जो फर्स्ट पार्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, उसमें अपन ने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वन बाय एक्स टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज टू। इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा। इसे यदि डायरेक्ट अपन ने देखा था तो यहाँ टू का स्क्वायर और माइनस क्या करना था टू। यदि प्लस है तो क्या होगा माइनस टू, यदि यहाँ प्लस है तो क्या करना होता है माइनस टू, फोर माइनस टू टू आंसर। ठीक, इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और किया था एक्स माइनस वन बाय एक्स इज टू थ्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि इसका स्क्वायर किए करिए और यदि माइनस है तो क्या होगा प्लस टू, नाइन प्लस टू मतलब इलेवन। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन अपन पिछले वीडियो में देख चुके थे। और एक क्वेश्चन और अपन ने यहाँ पर क्या था कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया रखा आपको दो, तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू याद करना था। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, जो जिन्हें ये वीडियो पहले वाला फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट पर आइए। काफी अच्छे से समझाया हुआ पहला पार्ट आपको। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा अब देखते हैं अपन इसको। यदि x प्लस वन बाई एक्स है तो x माइनस वन बाई, अब यहाँ पावर टू नहीं है देखना। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था कि अंडर रूट इसका स्क्वायर और यहाँ माइनस में जाना है तो माइनस फोर। ठीक है, टू का स्क्वायर कितना है फोर, और फोर माइनस फोर कितना हो जाएगा जीरो। यदि यहाँ पर डिजिट चेंज करते हैं अपन, यदि यहाँ पर ले लेते हैं फाइव, तो आंसर क्या होगा फाइव का स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना माइनस फोर ही चलता है। ठीक है, 25 माइनस 4 21। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन, x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 6, तो x स्क्वायर x प्लस 1 बाय x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए एक बार आप दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। यहां पर x प्लस 1 बाय x है, x माइनस 1 बाय x की वैल्यू याद करना था। यहां x माइनस 1 बाय x है, x प्लस 1 बाय x की वैल्यू याद करना। इसमें अंडर रूट इसका स्क्वायर और कहां जाना है प्लस प्लस 4, 36 प्लस 4 आपका हो जाएगा अंडर रूट 14। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब आते हैं आज के वीडियो में कि जब यहां x प्लस 1 बाय x दिया हो और x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो, या ये माइनस में दिया हो और इधर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो, देखना ध्यान से कैसे करें इस क्वेश्चन को। ठीक, यदि आप यहां पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखिए आप, यदि यहाँ पर इसको ए इसको बी लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पर अपना टारगेट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये जो तरीका है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या होगा, तो आपने इसी के साथ एक फॉर्मूला और देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए अब इसके साथ अपन कैसे चलते हैं कि यहां पर यदि ये इसको लेके चलेंगे टारगेट को लेके, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए यहां पर ए क्या है एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, यहां a क्या हो जाएगा x माइनस b क्या हो जाएगा 1 बाई x, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू कितनी है 4, x माइनस 1 बाई x की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको बता चुका था अभी जस्ट पहले कि x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 4 हो,
और x माइनस वन बाई x निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस में जाना है तो माइनस फोर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस चार मतलब करनी के अंदर 12, ठीक। तो यहां पर यही आपका x माइनस वन बाई स्क्वायर निकालना है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो इसकी जगह क्या हो सकते हैं 12, मतलब हमारा आंसर आ चुका है 4 अंडर रूट 12। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, आप ट्राई करिए इसको करने, ठीक। चलिए देख लें, अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या लगेगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, चाहे इसको आगे लिखें या इसको पीछे लिखें, दोनों मल्टीप्लाई में इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अपने को 5 दे रखी है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालना है, इसके लिए अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस में ऐड करना है तो क्या करेंगे माइनस 4, 5 का स्क्वायर आप जानते हो 25, 4 माइनस करेंगे 25 में से 21, अंडर रूट 21 इंटू 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 करनी 21, ये आपका आंसर, ठीक। सभी को आ गया होगा समझ में। अब अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा कि सर अभी आपने देखा कि यहां प्लस है और यहां माइनस है, ठीक। यदि यहां पर माइनस आ जाए, यदि यहां पर माइनस हो और यहां पर भी माइनस हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यदि एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 हो, यहां 3 ले लेते हैं इस बार, ठीक। यदि 3 हो x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू आपको याद करना है कैसे करें, वही तरीका है कि इसको अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, x माइनस 1 बाय x और ये x प्लस 1 बाय x, ठीक। देखिए अब अपने पास x माइनस 1 बाय x की वैल्यू दे रखी है 3 लिखा, अब x प्लस 1 बाय x की वैल्यू निकालना है, अंडर रूट इसका स्क्वायर करते थे, अब कहां प्लस याद करना, तो प्लस इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में माइनस में याद इस ये वाली वैल्यू याद करना था, इसलिए माइनस था, और यहां प्लस है इसलिए यहां पर प्लस लेंगे और 4, तो 3 इनटू अंडर रूट 9 प्लस 4 कितना 13, मतलब 3 रूट 13 आपका आंसर होगा। हुआ क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, अभी आपने देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि अपन कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन था अपना x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू a ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू a, x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर देखा आपने x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू a, तो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू b, फिर देखा आपने x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू a, तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या, इसके बाद आपने देखा x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू a, तो x स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू a, तो x स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी तक आज दोनों वीडियो में आप 1 2 3 4 5 6 टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं, चलिए आप मुझे आंसर बताते चलिए सभी के, ठीक है। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वन बाई एक्स, तो इसका आपको पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे माइनस टू करेंगे, प्लस है तो माइनस टू, ये माइनस है और x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना, स्क्वायर करेंगे प्लस कितना 2, जब प्लस होता है और प्लस में जाना है तो ए स्क्वायर माइनस 2, जब माइनस होता है प्लस में जाना है तो ए स्क्वायर प्लस 2। अगला यहाँ x प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू है, x माइनस वन बाई एक्स इजिकल टू निकालना हो तो इस केस में अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, अब माइनस में जाना है तो माइनस 4, इधर आते हैं माइनस x माइनस वन बाई एक्स इजिकल टू है, x प्लस में जाना, देखिए पावर नहीं है यहाँ पर, तो क्या करते थे इसका स्क्वायर और प्लस में जाना है प्लस 4, ठीक। और यह भी मैंने आपको बताया कि इसको फॉर्म अपन a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यदि करेंगे तो x माइनस वन बाई एक्स और x प्लस वन बाई एक्स होगा, और यहां पर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी इधर से a और इधर अंडर रूट, ये आपने क्या माइनस मानने के लिए a स्क्वायर माइनस 4। सेम ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी अगर अभी अभी तक अपन ने देखा कि 1 पावर और 2 पावर,
अब इसको आगे बढ़ते हुए पावर थ्री वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू फाइव एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब क्वेश्चन। ये वैल्यू आपको याद करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका बेसिक क्लियर कर देता हूं आपके बीच कि कैसे इस क्वेश्चन को यहां पर जाए। जैसे पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि यहां पर पावर कितनी एक्स की वन, इधर पावर कितनी थी टू, तो ऐसा क्या फार्मूला था अपने पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसी के थ्रू यहाँ पर पावर टू हो सकती थी। फिलहाल यहाँ पर पावर कितना थ्री, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, इस फार्मूले का मतलब ये हुआ कि यदि ये इस टाइप से लिखा तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा हो तो उसको ऐसे विस्तारित रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी अपना टारगेट है कि पावर वन है और थ्री पर जाना है, एक काम करते हैं इसको अपन क्यूब कर देते हैं। ठीक है, यदि यहां मैं x प्लस वन बाय x का होल क्यूब करता हूं तो ये फाइव का दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं अपन, ए क्यूब मतलब x क्यूब प्लस बी क्यूब ये वन बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस वन बाय एक्स, और इधर आपको पता है कि फाइव का क्यूब कितना होता है, पांच इंटू पांच पच्चीस, पच्चीस इंटू पांच कितना, एक सौ पच्चीस। ठीक, चलिए अभी इसी को ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स कैंसिल, थ्री का वन से इंटू का थ्री वन जा थ्री, ये एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना हो जाएगा 125। अब देखना आपका आंसर आने वाला है, बिल्कुल आप साथ में बने रहिए। ठीक, यहां पर x प्लस वन बाई एक्स लिखा जिसकी वैल्यू आपको पांच दे रही है, यदि मैं यहां पांच लिखता हूं और पांच में फिर थ्री का मल्टीप्लाई करता हूं तो पांच इंटू तीन कितना हो जाएगा 15, और 15 जब आपका साइड चेंज या पक्षांतर होके आएगा तो 125 के इधर आएगा, कैसा माइनस का होके, और 125 में से 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 110। ये आपका आंसर आ गया, हुआ क्लियर मेरे दोस्तों। आपको एग्जाम में इस टाइप से नहीं करना है, ये है आपका बेसिक मेथड। ठीक है, इतना समय नहीं है कि अपन इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, इतना पूरा सॉल्व करेंगे और वहां पर विथ इन 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है वो आपको मैं दिखाऊंगा इसके बाद। ये हुआ क्लियर सभी को, ये इसके एक बेसिक मेथड है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जाना है, तो हमेशा आप ध्यान रखना इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करोगे इस संख्या में हमेशा हमेशा तीन से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, हमेशा तीन से मल्टीप्लाई होगा और इनके बीच में माइनस का माइनस, जब दोनों दोनों क्या हो प्लस हो तो हमेशा इन दोनों के बीच में क्या होगा माइनस। अब देखिए 5 का क्यूब कितना है 125 और 5 इंटू 3 कितना 10, यह आपका आंसर। अगर हुआ क्लियर सभी को, कोई डाउट इसमें? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पर, x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू यदि 4 हो, x क्यूब माइनस प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखना एक बार सेम क्वेश्चन, x प्लस वन बाय एक्स, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स, मैंने बोला आपको कि इसका क्यूब करिए, इसी संख्या में तीन का मल्टीप्लाई कर, दोनों केस में है प्लस में है माइनस लगा दीजिए, आंसर आ गया। फोर का क्यूब आप जानते होंगे, चार चौक सोलह, सोलह चौक चौसठ है ना, 64, चार इंटू तीन कितना 12, 64 में से 12 माइनस होगा कितना 52, आंसर हुआ क्लियर, हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर। फिर एक बार एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब यदि यहाँ पर माइनस हो, आपके दिमाग में चल ही रहा होगा कि सर यदि ये माइनस हो जाए तो भी क्या चले, ये माइनस आ गया। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करें। ठीक, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो आप इसका सबसे पहले अपन एक बेसिक क्वेश्चन कर, बेसिक से इसको सॉल्व कर लेते हैं मेथड से, उसके बाद फिर देखेंगे डायरेक्ट।
x की पावर 1 से x की पावर 3 पे जाना है तो वही अपने दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा कोई फार्मूला जो 1 पावर को 3 में कन्वर्ट कर दे। तो वह आपने पढ़ा होगा अभी जैसे देखा अपन ने a प्लस b का होल क्यूब, पर अब यहाँ क्या है माइनस के फॉर्म में है इसलिए अपने को यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब देखना होगा। इसका फार्मूला था a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, वह क्लियर ठीक है। अब इस पर अपन हम ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं x माइनस 1 बाय x की पावर कितना 3। अब देखिए a की जगह x, b की जगह 1 बाय x है ना ठीक, तो a मतलब क्या x क्यूब, b मतलब क्या हो गया 1 बाय x क्यूब माइनस 3 इंटू a मतलब x b 1 बाय x ब्रैकेट a x और b क्या है 1 बाय x, वह क्लियर सभी को। और यहां पर 4 का क्यूब ठीक, चलिए ये आप यहां लिखते हैं x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब, ये x से x कैंसिल हो गया माइनस 3। अब देखिए x माइनस 1 बाय x की वैल्यू देखिए कितना है 4, कितने 4 ये 4 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 into 3 कितना 12 12, और जब 12 इधर आएगा तो अब कैसा आएगा माइनस का है तो प्लस में x क्यूब 1 माइनस x क्यूब 64 प्लस कितना 12, ये आपका आंसर आ गया 76। आया सभी को समझ में, ये बेसिक मेथड थी जो आप अभी तक करते आए होंगे ठीक है, पर इसका अपन डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन किया है ठीक है। चलिए हो गया क्लियर सभी को, अब आते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे है एक ही स्टेप में। तो यहां पर है आपका x माइनस 1 बाई x, यहां याद करना x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब, मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है इसका क्यूब करो, माइनस माइनस है तो प्लस, और इसमें किसका गुणा करना है 3 का। अरे इसके पहले जब क्वेश्चन था प्लस प्लस तो माइनस किया 3 का मल्टीप्लाई इससे किया ठीक, तो ये हो गया 64, ये 12 कितना ही आंसर 76, ये 76। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं ठीक। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है कुछ, आप मुझे करके बताइए x माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 7 x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब क्या करेंगे, कुछ नहीं इसका क्यूब करना है, माइनस माइनस है तो प्लस, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो, ये हो गया 7 का क्यूब आप सभी को पता होगा कितना होता है 343 प्लस 7 3 21, ये 314 426 364, हुआ क्लियर सभी को। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो देखते हैं अपन पावर 4। देखिए आप x प्लस 1 बाय x इक्वल्स टू 3 x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 क्वेश्चन में यदि आपसे इस टाइप से दिया हो कि x प्लस 1 बाय x की वैल्यू 2 3 4 8 10 कुछ भी हो और आपसे पूछा जाए कि x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 याद करिए, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है क्योंकि हम इसके पहले वाले पिछले वीडियो में देख चुके इस टाइप के क्वेश्चन को कि जब यहाँ पर संख्या दी हो और x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर याद करना हो तो कुछ नहीं करते थे इसका स्क्वायर करते थे, प्लस है तो माइनस, यहाँ यदि प्लस है तो क्या करते थे माइनस 2, ये हो जाता था आपका आंसर 7, ये हो गया 2 ठीक है। अब आपका x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर कितना आ गया 7 आ चुका 7। अब इसकी पावर 2 करेंगे तो जब x की पावर 2 और उसकी पावर 2 होती है तो कितनी होती है दोस्तों पावर x की पावर 4, बस कुछ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन को दो बार ये फार्मूला लगा देना है ठीक है, एक बार किया तो स्क्वायर आया ये स्क्वायर आ गया, अब इसके बाद वापस स्क्वायर कर देंगे तो पावर हो जाएगी 4, तो आपका क्या होगा 7 स्क्वायर प्लस 8 तो माइनस 2 कितना हो जाएगा 49 माइनस 2 47 आंसर, हुआ क्लियर। क्या है कुछ नहीं करना है जब ये प्लस
x plus 1 by x बराबर वैल्यू दे रखी हो और x की पावर 4 plus 1 by x की पावर 4 हो तो आपको यही वाली चीजें दो बार अप्लाई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। यहां पर यदि आपका ठीक है 5 हो, बताइए आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए देखना इसका आंसर। 5 स्क्वायर एक बार करेंगे माइनस 2 कितना जाएगा 25 माइनस 2 23, फिर इसी को एक बार और करेंगे 23 स्क्वायर माइनस 2 क्यों करेंगे क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की आएगी पर अपने को ये चाहिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसलिए एक बार और इसका स्क्वायर करेंगे। 23 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है 7, 329 माइनस 2 327 सॉरी 529। चलिए देखिए 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 कितना 527 ये राइट आंसर। ठीक हो गया क्लियर आप सभी को। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने देखा x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 5 x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 ठीक है। अब यदि यहां पर माइनस आ जाए ठीक है देखना आप यदि x माइनस 1 बाय x की पावर x बराबर 3 हो और x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 अब x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 3 x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4। देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू a था तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर क्या करते थे यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस 2। अरे माइनस था तो क्या करते थे प्लस 2 बस उसी के आगे यहाँ पर अपनी वैल्यू क्या जाएगी इसके बाद वैल्यू इसके आ जाएगी और इसके बाद कंटिन्यू स्क्वायर करके माइनस 2 ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो x माइनस 1 बाय x से पहुंचते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2 ये हो गया आपका सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11 ठीक। अपना टारगेट है x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 यहां पर अभी फिलहाल अपन x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर एक काम करते हैं वापस इसको स्क्वायर करेंगे तो जब x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर करते हैं तो पावर 4 और 4 से क्या हो जाएगा ये x की पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4 पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं करते हुए डायरेक्ट करेंगे इसका स्क्वायर अब प्लस में है तो माइनस 2 अब 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 कितना जाएगा 119 हुआ क्लियर सभी को। एक क्वेश्चन और आप ट्राई करिए यहां पर आपका 5 x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 5 x की पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4 चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे माइनस है प्लस 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। अब आते हैं टारगेट इसका स्क्वायर एक बार और होगा तो x स्क्वायर x पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4 यहां पर क्या होगा इसका स्क्वायर 27 का स्क्वायर प्लस तो प्लस है तो माइनस 2 कितना होगा 27 का स्क्वायर 529 माइनस 2 यहां पर कितना आंसर आ जाएगा 527 729 है ना 729 माइनस 2 727। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को आ गया होगा समझ में। अभी अपन यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पावर 1 फिर पावर 2 पावर 3 अभी चल रहे हैं अपन पावर 4 पर ठीक है। अब अगला टाइप इसी टाइप से क्वेश्चन पावर 4 में रहेगा वो आपका क्या रहेगा ठीक। चलिए देखते हैं यदि आपका x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 4 तो x स्क्वायर माइनस x पावर 4 माइनस 1 बाय x की पावर 4 वैल्यू क्या होगी। अभी जो दो टाइप किए थे x की पावर वाले यहां पर दोनों क्वेश्चन में प्लस था इधर आपका x समय प्लस था एक टाइम पे माइनस था अभी फिलहाल अपना यहां पर माइनस आया है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ठीक यहां पर माइनस ठीक। तो सबसे पहले इसको समझना होगा जब भी माइनस हो हमेशा जिसको फाइंड आउट करना जिसकी वैल्यू याद करना ना वहां से चलते हैं। जैसे इसके पहले जो x स्क्वायर वाला क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर तो मैंने बोला था इसको इस टाइप से
तोड़ लेना है ना, ये 1 by x a square minus b square के फॉर्म में तोड़ लेना है, उसके बाद ये आसान हो जाता है। सेम वही यहाँ पर करना है कि इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये x square minus 1 by x square, x square plus 1 by x square, ठीक, ये हो सकता है। अब यहां पर देखा जाए मतलब यहां पर a square minus b square का ही फॉर्मूला लगा है। चलिए एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको x square का square minus 1 by x square का square लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये हो गया a square minus b square, तो ये हो गया a square x square minus 1 by x square, ये हो जाएगा x square plus 1 by x square, ओके। दूसरा अब यहां पर देखिए फिर वापस उसी फॉर्म में x square minus 1 by x square किसके फॉर्म में, a square minus b square में, इसको फिर डिवाइड फैक्टर कर लेते हैं, x माइनस 1 बाय x और x प्लस 1 बाय x इनटू x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ठीक हो गया होगा आपको क्लियर सब कुछ कि क्या करना है, क्योंकि यहां पर यदि देखा जाए तो अपन यहां x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, यदि माइनस में दिया तो प्लस की वैल्यू भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं और इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, तो यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स यहाँ दे रखा है, चार लिखेंगे। जब माइनस का दिया हो और प्लस में बनाना, पावर चेंज नहीं है, वन है वन है, तो इसके लिए मैं कल आपको बता चुका हूं कि अंडर रूट इस वैल्यू का स्क्वायर, प्लस में जाना है तो प्लस चार, ये हो गया इसका आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी अपन इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा है, जब माइनस होता है तो क्या करेंगे प्लस, तो 4 स्क्वायर और प्लस कितना 2, ये 4, ठीक 4 रहेगा, 4 इंटू 4 16 और 4 कितना 20 अंडर रूट, इंटू 4 इंटू 4 16, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 कितना 18। अब देखिए 18 और 4 का गुणा होगा 18 जो 72, करने के अंदर कितना 20, ये आंसर 72 अंडर रूट 20 हुआ। क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। वैसे यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपकी 8th 10th लेवल के एग्जामों में नहीं आते, पूछते इस टाइप के क्वेश्चन, पर फिर भी परीक्षा है और परीक्षा का आप संधि विच्छेद जानते होंगे, पर प्लस इच्छा, और पर का मतलब क्या होता है, पराया, ठीक है, तो पराये की इच्छा हो जाए, ये नहीं एक्स स्क्वायर नहीं एक्स की पावर 4 की इच्छा हो जाए, फिर वहां पर मना तो कर नहीं सकता कि यार सर ये नहीं होना, ठीक है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं इस टाइप का, अब चेंज कर रहा हूं मैं इधर x माइनस 1 बाई एक्स की जगह x प्लस 1 बाई एक्स और यहां रहेगा आपका 5, इसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। मैंने बोला जब माइनस हो हमेशा टारगेट को ही आप सॉल्व करिए, इसे फैक्टर में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर इसमें ए प्लस बी और ये आपका ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 5, एक्स माइनस 1 बाई एक्स आपको पता है सेम पावर है, कोई चेंज नहीं, अंडर रूट इसका स्क्वायर किया, माइनस में जाना माइनस 4 करेंगे, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस है तो इसका स्क्वायर किया और माइनस कितना 2। जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, तभी क्लियर होगा कि ये 5 स्क्वायर माइनस 4 कैसे आया, ये 5 स्क्वायर माइनस 2 कैसे आया, क्योंकि ये चीजें मैं पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से आपको समझा चुका हूं, ठीक। चलिए 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 कितना 21, इंटू 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना 23। अब 23 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2500 5 3 15 कितना 115 अंडर रूट 21, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर सभी को, तो अभी तक अपन देख चुके हैं यदि कंप्लीट देखा जाए तो मैं इस फॉर्म के क्वेश्चन में आपको पावर 1 2 3 4 तक आपको क्लियर कर चुका हूं, यदि आप प्लस माइनस सभी में देख चुके हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।
ठीक है। पर यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।